फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ केले के फूल के चिप्स। इसके लिए मैंने लिया है केले के फूल। केले के फूल को कैसे छिलना है इसका मैं आगे आपको बता दूँगी। उसके अलावा चावल का आटा है आधी कटोरी, आधी कटोरी बेसन है और 1/4 कप मैदा है। उसके अलावा मैंने लिया है अजवाइन, भुना जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हल्दी, हरा धनिया और नमक। सबसे पहले हम करते हैं फूल को क्लीन। उसके लिए मैंने लिया है एक केले का फूल, लेके मैंने इसकी पंखुड़ियों को साइड किया है। पंखुड़ियों को साइड करके इसके अंदर के जो फूल हैं उनको मैं निकाल के उनको मैं क्लीन करूँगी। केले के फूल का एक एक फूल क्लीन करना ज़रूरी है, अदरवाइज उसमें थोड़ा सा कसेलापन रहता है। अब मैंने इसके पंखुड़ियाँ निकाल लिए, निकाल के अब मैं एक फूल ले रही हूँ। एक फूल लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। यह है फूल, इसके सामने ये एक पार्ट है जो प्लास्टिक जैसा दिख रहा है और ये पीछे का पूरा फूल है और बीच में आप देख सकते हैं एक माचिस की तीली जैसा दिख रहा है ये वाला, और एक प्लास्टिक जैसा, उसको हमें निकाल के साइड में रखना है। मैं आपको एक और तोड़ के दिखा रही हूँ। ये जितने भी प्लास्टिक जैसे दिख रहे हैं इसको हमें निकालना है। उसके बाद एक फूल में जो सबसे लंबा है, जो माचिस की तीली जैसा दिख रहा है, उसे हमें निकालना ज़रूरी है। इनको निकाल के मैं रख रही हूँ साइड में। इसी तरीके से हम लोग सारे फूल को क्लीन कर लेंगे। सारे फूल को क्लीन करके वॉश करके हम लोग इसकी रेसिपी बनाएंगे। मैंने सारा फूल क्लीन कर लिया। ये है हमारा फ्लावर। उसके अलावा ये क्लीन करने के बाद जो निकला है वो है। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने लिया एक बाउल, उसमें मैंने डाला है बेसन, आधी कटोरी बेसन है। उसके बाद मैंने डाला है आधी कटोरी चावल का आटा, 1/4 कप मैदा। आप चाहो तो सिर्फ बेसन या सिर्फ मैदा और चावल आटे से भी बना सकते हैं, या कॉर्नफ्लोर और मैदे से भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला नमक और मिर्च पाउडर, उसके बाद भुना जीरा पाउडर, उसके बाद अजवाइन को मैं क्रश करके डाल रही हूँ। अजवाइन क्रश करके डालने से डाइजेशन इजीली होता है। उसके बाद मैंने डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बारीक कटा हरा धनिया और आमचूर पाउडर। ये सारी चीज़ें हाफ हाफ स्पून है डाल के मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर बनाऊँगी। इसका बैटर हमें ना ही तो ज़्यादा पतला बनाना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। जिसे डोसे का बैटर है उस तरीके से बनाना है, क्योंकि इसी में हम लोग केले की जो फूल है वो डाल के इसके चिप्स बनाने वाले हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है और इसका परफेक्ट बैटर बना लिया है। हमारा बैटर बनके रेडी है। अब केले के जो फूल हैं वो मैं डालूँगी इस बैटर में। ये पकौड़े या चिप्स जो भी बोलो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि जो केले के फूल है उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब हम लोग पकौड़े बनाएंगे उस समय ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम मीडियम करके उसमें हम पकौड़े तलेंगे। एक पहले डाल के चेक करना है तेल गर्म है कि नहीं। तेल गर्म है तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जितना एक बार में आ सकता है उतने केले के फूल डालेंगे। डाल के मीडियम फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी होते तक फ्राई करेंगे। ये पकोड़े आप चाहो तो मैदा या सिर्फ कॉर्नफ्लोर में भी बना सकते हैं, बट मैंने बेसन और चावल का आटा इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैदा उतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम लोग प्लेन मैदा या कॉर्नफ्लोर में बनाएंगे तो चावल का आटा डालने से उसमें क्रिस्पीनेस आता है। अब मैंने एक बार में जितने आते हैं उतने मैंने डाल लिए। डाल के अब मैं इनको पलटते हुए गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी होते तक फ्राई करूँगी। ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ किचन टावल के ऊपर। निकाल के सेम इसी तरीके से मैं बाकी सारे केले के चिप्स फ्राई कर लूँगी या केले के पकौड़े फ्राई कर लूँगी। ये केले के चिप्स बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बस केले का फूल क्लीन करते समय थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहो तो केले का फूल पहले से क्लीन करके फ्रिज में रख लेना और जब बनाना उसके थोड़ी देर पहले निकाल के आप उसके पकौड़े बना लेना। बहुत ही जल्दी बनेंगे, साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब हमारे सारे केले के पकौड़े बनके रेडी हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। वैसे इसको आप प्लेन भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। अब आप भी ये हेल्दी टेस्टी केले के फूल के चिप्स या पकौड़े बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।